अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम नासिर राजा है और ख़बरें टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अगर आप पाकिस्तान का मीडिया देखें, बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया देखें, तो वहाँ पिछले दो दिनों से एक ही खबर गर्दश कर रही है कि तालिबान काबुल पहुँच गए और उन्होंने शाही महल पर अपनी हुकूमत या अपना कब्ज़ा जमा लिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे चलें, आप सब लोग जानते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में किस तरीके से नेटो यानी 30 ममालिक की अफवाज जो ऐसे ऐसे असलह से लेस थी जिनके बारे में शायद हम जानते भी ना हो और उनको सुना भी ना हो, एक हेलमेट से लेके उनके शूज़ तक, उनकी जुराबों तक, उनकी जो लाइफ जैकेट है उस तक और उनकी गॉगल्स तक, जो नाइट विजन गॉगल्स होती हैं जिसमें अंधेरे में आप देख सकते हैं, उनके पास ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर्स, ऐसे ऐसे टैंक, ऐसी ऐसी बख्तरबंद गाड़ियाँ, ऐसे ऐसा असला था कि जो एक फौजी या एक छाता बरदार कई लोगों पे, कई मुखालिफीन पे भारी हो सकता है। और आपको पता है कि उनकी खुराक, उनकी डाइट, उनके साथ चलने वाला कारवां, बल्कि वो जहाँ भी पड़ाव डालते थे वहाँ उनके लिए एक खूबसूरत जिम बनाए जाते थे ताकि, और क्लब्स होते थे ताकि वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी वर्जिश भी करें और एंजॉय भी करें। और उनके मुकाबले में 75,000 तालिबान थे जो नीचे बैठते थे, नीचे बैठ के खाना खाते थे, उनकी बड़ी बड़ी अहम मीटिंग्स नीचे बैठ के हुआ करती थी और वो जब लड़ने के लिए अपनी जान हथेली पे रख के निकलते थे तो उन्होंने पाँव में कुछ ऐसे शूज़ नहीं पहने होते थे कि जो पहाड़ी रास्तों पे उनको चढ़ने में मदद दें, जो जंग के दौरान उनको भागने में मदद दें। आम सी खेड़ी, जिसको हम क्वाटी चप्पल भी कहते हैं, खेड़ी भी कहते हैं, वो पहनी होनी और सर पे किसी हेलमेट की बजाय एक पगड़ होना, दाढ़ी उन्होंने रखी, बस एक उन्हें गन जो उनके हाथ में होती थी वो उनको चलानी आती थी या जिस गाड़ी पर जा रहे होते थे उसको चलानी आती थी। इसके अलावा उन्हें ना पता था कि किस तरीके से बचना है। और आप ये भी जानते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भी देखी कि जब वो बहुत बुलंदी से उनके त्यारे, नेटो फोर्सेस के जो त्यारे हैं, वो जब उनकी कार की, उनकी गाड़ी का सुराग लगा लेते थे तो वो फिर ऐसा निशाना बांधते थे कि बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। अगर उस गाड़ी से उतर के कोई भागने की भी कोशिश करता था तो वो तालिबान भी उनकी गनों के नरगे से बच नहीं सकता था। और इस तरीके से बहुत सारे तालिबान ने और अफ़गानिस्तान के बहुत सारे शहरियों ने अपनी जान के नजराने पेश किए। जबकि अगर हम नेटो फोर्सेस की बात करें तो उनके अदाद व शुमार जो बताए जाते हैं वो चंद हज़ारों में हैं, लेकिन उनका नुकसान कहीं इससे ज़्यादा था। हर मुल्क जो है वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, और ख़ास करके जो बड़ी ताकतें हैं वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी आवाम के गुस्से से बचने के लिए ये तादाद हमेशा कम बताते हैं ताकि फोर्सेस का मोराल भी डाउन ना हो और कौम का मोराल भी डाउन ना हो और उनके गलत फ़ैसलों को भी अवामी जो पज़ीराई पहले मिलती रहती है वो कहीं पज़ीराई उलट ना जाए और उनके ख़िलाफ़ गालम गलोच या उनके फ़ैसलों पे तनकीद ना शुरू हो जाए। अब आपको बताएं कि तालिबान की हुकूमत में जो उनकी शूरा है, जो उनके रहनुमा बनने जा रहे हैं, जिन्होंने बागडोर संभालनी है, वो कौन लोग थे? वो लोग थे जिन्होंने अपनी जवानियां इसी जंग में गुजारी और ग्वांतानामोबे जैसी जेलों में उन्होंने जेलें काटी। और वहाँ आपको पता है कि ना उनको पता चलता था कि दिन का सूरज कब चढ़ा है, सुबह का सूरज कब चढ़ा है, कब सूरज ढल गया, क्या उनको खाने को मिलता था। बस वो उनसे यही दरख्वास्त करते थे कि हमें नमाज के टाइम खोल दिया करें, हम अल्लाह के सामने अपना सर झुका लें, इतनी उनकी दरख्वास्त होती थी। और उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हमें ऐसी कोई सहूलत दें कि हमें बी क्लास दें, हमें सी क्लास दें, हमें खाने को अच्छा दें, बल्कि उन पर कुत्ते छोड़े जाते थे और उनको इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था कि इंसान की चीखें निकल जाती थी और इंसान कहता था कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन कभी भी ना उनके सर डगमगाए, ना उनके होश डगमगाए, ना उनके हाथ डगमगाए, वो अपनी उस सोच पे कायम रहे कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और हम जो मिशन लिए हुए हैं वो अल्लाह का मिशन है
और इस्लाम का मिशन है और दीन का मिशन है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इख्तलाफात भी करते हैं, इख्तलाफ करते हैं और अपनी भी वो दूरदेशी का मुजाहरा करते हुए कभी कौन सी दलील पेश करते हैं, कभी कौन सी दलील पेश करते हैं, लेकिन ये सच है, ये सच है। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से, किस बेसरो सामानी के साथ उन्होंने नेटो जैसे ममालिक जिसमें बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, जिनकी तरक्की जिनकी गाड़ी से लेके, जिनके एक छोटे से आले से लेके, एक मोबाइल फ़ोन से लेके बड़े बड़े जहाज़ों तक दुनिया उनका नाम लेती है और उनके हवाले से प्रोग्राम किए जाते हैं कि इन्होंने ये ईजाद कर लिया, इन्होंने ये ईजाद कर लिया, इन्होंने ये ईजाद कर लिया। ये बग़ैर रात को कितना भी अंधेरा हो ये अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं। इनके त्यारे जो है ऐसी बमबारी करते हैं कि बिल्कुल बस्तियाँ की बस्तियाँ जो हैं वो सफाए हस्ती से मिट जाती हैं। और इनके पास ऐसी गने हैं कि अगर ये निशाना ले लें तो वो निशाना चूकता नहीं है और जिस जगह का निशाना लें गोली जाके वहीं पे लगती है। और इसके मुकाबले में आम सी गने, आम से शूज़, शलवार कमीज़ पहने हुए वो अल्लाह के सिपाही वो डट गए। और सिर्फ 3 लाख जो फौज थी वो अफगान फौज थी जिसको अमेरिका की हमायत हासिल थी, जो ट्रेन थे, जिनको उसी तरीके से ट्रेनिंग दी गई और उनको असला भी जदीद दिया गया, यानी $1 बिलियन का वहाँ पे उनको असला दिया गया। और उसके मुकाबले में 75,000 तालिबान की फोर्सेस थी, रूखी सूखी खाते, पहाड़ों पे चलते, जहाँ पे उनको रात पड़ती पत्थरों का तकिया बना के वहीं वो रात गुजार लेते। लेकिन फिर मैं कहूँगा और बार बार ये बात कहूँगा कि उनका तकिया सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे था, उनका ईमान ये था कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए कर रहे हैं और अल्लाह का अलम हमने बुलंद करना है। हिम्मत नहीं आ रही, जान देने की परवाह नहीं की और अपनी जान के नजराने पेश करते रहे और जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने दुश्मन को धूल चटा दी। एक और बात मैं करना चाहूँगा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो बहुत खुश था और कुछ दिन पहले बल्कि कुछ घंटे पहले तक वो यही वावेला करते रहे, यही शोर मचाते रहे, यही बातें और ये दावे करते रहे कि अब तालिबान के पास वो ताकत नहीं है कि वो 75,000 की तादाद में होके 3.5 लाख लोगों का मुकाबला कर सकें, फ़ौज का मुकाबला कर सकें अफ़गानिस्तान की, जो जिसकी हमायत अमेरिका कर रहा था और भारत कर रहा था और भारत ने भी उनको ट्रेनिंग दे रखी थी। लेकिन सब पैमाने, सब हौसले, सब दावे बिल्कुल खाक नशीं हो गए हैं और तालिबान आज उन महलों में बैठे हुए हैं जिनसे उनको दूर रखे जाने की हमेशा कोशिश की जाती थी। एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया और उन्होंने उस तरह की अदालतें नहीं लगाईं जैसे पहले होता था। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे साथ रहेगा, इस मुल्क का बाशिंदा रहेगा, अपने घर में रहेगा, वही फतेह मक्का वाली बात, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। और उन्होंने ऑर्डर कर दिया और उस ऑर्डर का मतलब जो एक मरतबा वहाँ पे कह दिया जाता है, चाहे वो ज़बानी कहा जाए चाहे वो लिखा हुआ हो, तो वो उस पर सारे उसको कबूल करते हैं और अपने सरबराह की, अपने इमाम की बात को सर आँखों पर रखते हैं। इस वक्त जो काबुल की सूरत हाल है वो ऐसी है कि वहाँ तकरीबन 5,000 अब भी अमेरिकन जो हैं वो फंसे हुए हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एयरपोर्ट पे आप देखें कि कम से कम 10 से 15,000 लोग जो है इस वक्त जहाज़ों के साथ लटके फिरते हैं कि कहीं अगर ये जहाज़ उड़ गया और हम यहाँ पे रह गए तो शायद हमें मौत दबोच ना ले। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इंसान जहाँ पे भी हो जब मौत का वक्त मुअय्यन होता है तो वो आके रहता है। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है तालिबान में और दूसरे लोगों में, चाहे वो अफगानिस्तानी हैं और चाहे वो मुसलमान हैं कमज़ोर ईमान वाले हमारी तरह और चाहे वो किसी और मज़हब से तलक करते हैं, उनमें और तालिबान में यही फ़र्क है कि तालिबान मौत की परवाह नहीं करते और जो दूसरे हैं वो मौत से डर के भागते हैं, जहाज़ों से लटके फिरते हैं कि यहाँ से हम निकलें और उन्हें ये नहीं पता कि पता नहीं हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हमारे साथ क्या सलूक होगा। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि ईमान की जो पुख्तगी होती है और अल्लाह ताला के जो बताए हुए रास्ते होते हैं वही आपको कामयाबी देते हैं। और कहते हैं जो शहीद की मौत है वो कौम की आयत है, जो शहीद अल्लाह की राह में कट जाता है, मर जाता है, खून उसका ज़मीन पे बह जाता है, वो कभी भी खसारे में नहीं रहता बल्कि फतह उसी की होती है। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ
कि जो खाक नशीं थे, जो ज़मीन पे बैठ के अपने फ़ैसले किया करते थे और अल्लाह रसूल का नाम लेके फ़ैसले किया करते थे, वो तो आज महलों में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी ना ही गर्दनों में सरिया है, ना ही उनके चेहरों पे तकब्बुर का निशान है। और ख़ुद अमेरिका हैरान है, और जिनकी ये कोशिश थी, मैं अमेरिका का नाम नहीं लेता, जिनकी ये कोशिश थी कि जब हम वहाँ से निकलेंगे तो तालिबान को उनकी नानी याद आ जाएगी, यानी उन्होंने 3.5 लाख के जो फौजी अपने ट्रेन किए हुए थे, उनको जदीद असला दिया था कि वो इनका मार मार के बुरकस निकाल देंगे, और वो यही जब निकलते ही भारत का मीडिया भी और अमेरिकन भी, अमेरिकन सदर भी यही कहते रहे कि ये कोई आसान काम नहीं है, 3.5 लाख की ट्रेन फोर्स जो है वो तरनवाला नहीं होगी। लेकिन इस बात पर ख़ुद तालिबान भी हैरान है कि वो वाकई तरनवाला तो कुछ ऐसा लफ्ज़ है कि जो शायद थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इससे भी आसान साबित हुए, और वो उनका कुछ पता नहीं कि उनके असले कहाँ गए, उनकी फ़ौजें, तरबियत याफ्ता फ़ौजें कहाँ गई, उनके जासूस जिन्हें भारत ने तरबियत दी थी, और भारत जिसके 2 दर्जन के करीब वहाँ पे अड्डे बनाए हुए थे, और वो हर वक्त इसी प्लानिंग में थे कि किस तरीके से तालिबान को तबाह बर्बाद किया जाए, और किस तरीके से पाकिस्तान जहाँ पे अल्लाह के नाम लेवा हैं उसको नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन आज उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं, आज उनकी सारी प्लानिंग नाकाम हो चुकी है, आज उसकी मीडिया की चीखों पुकार सिर्फ ये है कि ये क्या हुआ, ये देखते ही देखते क्या हुआ। आज ऐसे ही लगता है कि शदीद बारिश और तूफान के बाद पानी का एक ऐसा रेला आया है जो सब कुछ बहा के ले गया है, जिसने सबके रंगो रोगन को खाक में मिला दिया है, और जो बड़े बड़े महलों में रह के बड़े प्रोटोकॉल के साथ तकरीरें किया करते थे, आज उनका नामो निशान नहीं है, और वही लोग अल्लाह ताला ने उनको उस मसनद पे बिठाया है जो उसका नाम लिया करते थे। तो नाज़रीन, इसका अब असरात हमने देखने हैं कि असरात इसके क्या होंगे। इसके असरात एक तो अमेरिका पे हो गए कि हर कोई दांतों में उंगलियां दे के अमेरिका की तरफ देख रहा है, और भारत जिसने बहुत पैसा खर्च किया था, जिसने बहुत मनसूबाबंदी कर रखी थी, जिसने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे अपने एहलकार भेज रखे थे, और बहुत बड़ी रकम उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट की थी, वहाँ पे बसें दे रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं कि हम ये शुरू कर देंगे, हम ये शुरू कर देंगे, सड़कें बना देंगे, हम वो कर देंगे, वो सब चीज़ें, वो सब मनसूबाबंदी फिर मैं कहता हूँ बार बार कि खाक में मिल गई, और उसका निशान भी नहीं मिल रहा। और वो लोग जो वहाँ पर फंसे हुए हैं वो कहते हैं कि जहाज़ तो फिर पहले रनवे पे दौड़ता है, हेलीकॉप्टर का पहले पंखा चलता है, कोई खुदारा अपने मुल्कों में फ़ोन कर रहे हैं, अपने मुल्कों के आगे हाथ जोड़े हैं कि खुदारा कोई ऐसा त्यारा, कोई ऐसा जहाज़, कोई ऐसा हेलीकॉप्टर भेजें कि जो हमें अपने घरों से, हमें बाहर भी ना निकलना पड़े, हमें घरों से उचके और हमें यहाँ से निकाल के ले जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। जब आप किसी से पंगा लेते हैं तो फिर आपको देखना चाहिए कि ये इंसान 2 हाथों 2 टांगों वाले तो हैं ही, इनको भी अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी ज़ात है जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है, और वो फरमाता है कि जब कोई अपनी प्लानिंग कर रहा होता है और जब वो कोई अपने नेट बुन रहा होता है तो अल्लाह ताला अर्श पे उनके नेट को, उनकी प्लानिंग को खाक में मिलाने के लिए सिर्फ एक कुन कहता है, और उनको समझ ही नहीं आती कि हमारी प्लानिंग को हुआ क्या है। उनके बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक वो सोच में मजबूर हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। और आप जानते हैं कि इनके जितने भी थिंक टैंक्स होते हैं वो कोई ऐसे नहीं होते कि अचानक किसी की अच्छी गुफ्तगू को सुन के बिठा दिया, बल्कि उनकी बहुत तरबियत होती है, उनकी बहुत पढ़ाई लिखाई होती है, उनके पास बहुत डिग्रियाँ होती हैं, लेकिन आज तमाम डिग्रियाँ फेल हो गई और सब कुछ रह गया। और एक और बात याद रखें कि तालिबान की हुकूमत ये नहीं कि वो इक्तदार की मसलत पे बैठ जाएंगे, अब ये होगा, ये लिख लीजिए और देखिएगा, और पहले भी आपने देखा कि तोरखम से लेके कोई खातून अकेली चले और अफगानिस्तान के दूसरे कोने से निकल जाए, किसी की ये जुर्रत नहीं होगी कि उसको छेड़े, उसका माल असबाब छीने, या उसकी इज्जत की तरफ मैली निगाह से देखे, या उसके साथ चलते हुए मासूम बच्चों को अगवा करने की कोशिश करे। ये होती है तब्दीली, और ये होता है इस्लाम का बोलबाला। और ना ही तालिबान को ये फिक्र है कि फैटिफ हमारे खिलाफ़ क्या फ़ैसला देगा,
कौन सा मुल्क हमें तस्लीम करेगा और कौन सा नहीं करेगा, अक्वामे मुत्तहिदा हमारे खिलाफ़ क्या फ़ैसले करेगा, हमें बाहर जाने की इजाज़त होगी कि ना होगी। ना उन्हें कोविड और कोरोना की फ़िक्र है, ना उन्हें किसी वैक्सीन की फ़िक्र है, ना उन्हें किसी मास्क लगाने की फ़िक्र है, और ना ही उन्होंने अपने मुल्क पे अवाम की अवाम पर ऐसी पाबंदियाँ लगाई हैं जो दूसरे मुल्कों की दी हुई गाइडलाइन है। वो सिर्फ एक ही गाइडलाइन पे चलते हैं जो अल्लाह की दी हुई गाइडलाइन है, और अल्लाह की दी हुई गाइडलाइन की वजह से आज पूरी दुनिया का मीडिया उनकी तारीफ़ कर रहा है और हम भी बैठे यही कह रहे हैं कि वाकई उन्होंने अल्लाह की बात मान के, अल्लाह का हुक्म मान के और उस पर चलते हुए अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए आज एक ऐसी फतह हासिल की है, और आज फतह मक्का की याद ताज़ा कर दी है कि मुसलमान किस तरह 313 की तादाद में उन्होंने एक बड़ी जंग जीती और फिर अपना सफ़र जारी रखा, और फिर उनकी सल्तनत कहाँ तक फैल गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, ये हमारे लिए एक ऐसी राह मुतय्यन की गई है जिस पर हमें कल चलना है। और जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसका फ़ायदा जहाँ तालिबान को पहुँचेगा, इसका फ़ायदा जहाँ मुसलमानों को पहुँचेगा, इसका फ़ायदा जहाँ चीन को पहुँचेगा, इसका फ़ायदा जहाँ पाकिस्तान को पहुँचेगा, 7 रियासतों को पहुँचेगा वस्ते एशिया की, इसके एक और असरात भी हैं जो आप लिख लें, आज नहीं तो कल नहीं, 5 साल में नहीं या 10 साल में, 10 साल के बाद पाकिस्तान में भी ऐसे ही लोगों की हुकूमत होगी और इसी तरह दीन का बोलबाला होगा। अपने अल्लाह पे यकीन रखिए और मौत से भागिए ना, मौत तो हर जगह आनी है। ये मत समझिए कि मैं दुबई चला जाऊँगा या मैं अपनी फैमिली को लंदन ले जाऊँगा या मैं अपनी फैमिली को, मेरे पास तो ग्रीन कार्ड है, मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। अपने मुल्क की मिट्टी से प्यार कीजिए, अपने अल्लाह के हुक्म से प्यार कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप सुरखरू होंगे, फतह भी होगी और आपका ये जहान भी अच्छा होगा और आपका अगला जहान भी अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें और हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।